नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश मिश्रा अपने चैनल देसी नुस्खे पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मुहासों के बारे में। मुहासे वैसे तो कहने की बात नहीं है कि ये मेल फीमेल दोनों ही इक्वली इफेक्टेड होते हैं मुहासों से। तो आज मैं चर्चा करता हूँ कि मुहासे होते क्यों हैं और इनका क्या बेहतर इलाज है। वैसे तो मुहासे हॉर्मोन्स की अनियमितता और पेट की खराबी, इन दो कारणों से होते हैं, लेकिन एक और कारण है, वो है सही साफ सफाई न होना। तो पहले चर्चा करते हैं हॉर्मोन्स की अनियमितता। तो जब आपके शरीर में हॉर्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, उस समय आपके जो स्किन की ग्लैंड्स हैं उनमें कई तरह का परिवर्तन आता है और मुहासे बनते हैं। ये मुहासे एक उम्र के बाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इनके साथ आपको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ या बहुत तकलीफ नहीं लेनी चाहिए इनके लिए। इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपने किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें जो आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। बिना दवाइयों के भी आप इसका अच्छा इलाज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो बड़ा ध्यान देने वाली बात है, पेट की प्रॉब्लम। पेट की प्रॉब्लम क्यों आई? गलत खान पान से या गलत जीवन शैली से। तो अगर आप गलत जीवन शैली या गलत खान पान की वजह से पेट को खराब कर रहे हैं, तो जो फेस पे आपके मुहासे आएंगे, बड़ा तेली सा फेस हो जाएगा आपका और छोटे छोटे दाने बनेंगे, उनमें फिर पस बन जाएगा, कील बन जाएगी। ऐसे मुहासे अगर आपको हैं तो उनका मैं बहुत ही अच्छा उपाय आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक और बड़ा कारण जो मैंने देखा है वो है गंदगी। मुहासे, कई लोग ऐसा होता है जो मोटरसाइकिल से चलते हैं, स्कूटर से चलते हैं, या गाड़ी से भी आप चल रहे हो, पैदल चलते हो, सड़क पे धूल है या कहीं आपके आसपास धूल है, धुआं है, मिट्टी है, तो ये जो पोल्यूशन है वो आपकी स्किन को धीरे धीरे खराब कर देता है। तो इससे सिर्फ मुहासे ही नहीं डेवलप होंगे, फिर अनइवन स्किन टोन हो जाएगा आपका, पिगमेंटेशन हो जाएगी, रैशेस होंगे, कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी कैसे आप दूर कर सकते हैं, बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताता हूँ। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि एक कटोरी दूध लेना है, रात को आप बना के रख लें और फिर इसको आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। एक कटोरी दूध लीजिए, छोटी कटोरी, उस दूध में आप कुछ 50 ग्राम चिरौंजी, चिरौंजी आप जानते हैं छोटे छोटे दाने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ आपको किसी भी जो आपके आसपास की पंसारी की दुकान है वहाँ मिल जाएगी, चिरौंजी के दाने ले लीजिए। और जौ, कई लोगों को जौ ढूंढने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं किसी भी अनाज की दुकान में आपको आसानी से जौ मिल जाएगी। पहले तो हर घर जौ उगाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे गेहूँ की उपयोगिता बढ़ गई तो जौ कम हो गया। जौ, चिरौंजी दोनों को दूध में भिगो लीजिए। अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो ये त्वचा की रंगत सुधारने के लिए बहुत अच्छा है, तो उसमें थोड़ी कच्ची हल्दी भी डाल दीजिए, एक छोटी टुकड़ा कच्ची हल्दी का, और इसको रात भर भिगे रहने दीजिए। सुबह क्या करें कि दूध से इसको छान के निकालें और उसी दूध में इसको मिक्सर पे अच्छे से पीस दीजिए। तो चिरौंजी, जौ, हल्दी और दूध सबका एक पेस्ट सा बन जाएगा। वो एक कटोरी पेस्ट आप संभाल के रख लीजिए। अब इस पेस्ट को रोज सुबह जब आप कहीं जा रहे हो उससे पहले, जैसे आप फेस वॉश करते हो ना, स्क्रब वगैरह लगाते हो, उसी तरीके से फेस पे अच्छे से पूरा रगड़ के चारों तरफ अपने चेहरे को, और फिर ताजे पानी से धुल लीजिए। धुलने के बाद रूई से ताज़ा दूध, उबाला हुआ दूध नहीं, ताज़ा दूध, ताज़ा दूध एक बार आप लेके फ्रिज में रख लीजिए, तो वो एक दो बार आप यूज़ कर सकते हो। तो ताज़ा दूध रूई से डुबा के ऐसे धीरे धीरे फेस पे चारों ओर लगा लीजिए, और जब तक दूध खुद ना सूखे तब तक उसको कपड़े से मत पोछिएगा, खुद सूख जाए उसके 10-15 मिनट बाद आप पानी से धुल लीजिए। तो ये पेस्ट पहले अच्छे से फेस पे रगड़ा, फिर दूध से उसको धीरे 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 लगा के थोड़ी देर तक छोड़ दिया आपने। बस दिन में दो बार एक हफ्ते, विश्वास मानिए नए मुहासे बिल्कुल नहीं आएंगे, जो पुराने हैं उनके दाग भी खत्म हो जाएंगे, साथ साथ जो स्किन में पिगमेंटेशन है या कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्किन जो है वो टोन खत्म कर देती है, जो आपका स्किन है लूज लूज हो जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि इससे फेशियल सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, जो फेशियल आपके पोर्स हैं वो सारे ओपन अप हो जाएंगे। बहुत ही नेचुरल और बहुत इफेक्टिव तरीका है, आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या जिनको भी ये ऐसी तकलीफ है उनसे शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत सारे पैसे बच जाएंगे उनके। अगर आपको इससे संबंधित कोई और सवाल है या किसी और समस्या को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, हम आगे अपनी अगली वीडियोस में उनका जरूर समाधान बताएंगे आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।